इतना बड़ा परिवार है, हमारी बिटिया कैसे संभालेगी सब कुछ? अरे समझा करो, बड़ा परिवार है, बहुत सारे लोग हैं उस घर में, सभी हमारी बिटिया से बहुत प्यार करेंगे। अरे वो खुश रहेगी वहाँ, और वो लोग कमाते भी अच्छे हैं, अमीर है। मेरा तो मन नहीं मान रहा, कुछ अनर्थ ना हो जाए। पूनम की माँ घबराई हुई थी। पूनम की शादी एक जॉइंट फैमिली में होने वाली थी। पूनम के पिता ने ये रिश्ता तय किया था। इसी बात को लेकर उसके माता पिता के बीच में बहस हो रही थी। पूनम को शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, बस वो थोड़ी सी डरी हुई थी। ससुराल में इतने सारे लोग होंगे, मुझे सब कुछ मैनेज करना होगा, कैसे करूंगी मैं सब कुछ? पूनम के होने वाले पति ने पूनम से कहा, चिंता मत करो पूनम, अरे वहाँ तुम्हारी दो जेठानी है, दो नंदे हैं, सभी मिलजुल कर काम कर लेना, चिंता की कोई बात नहीं है, और मैं तो रहूंगा ही। पूनम की चिंता दूर हो गई, लेकिन उसे क्या पता कि अक्सर शादी से पहले किए गए वादे बाद में जाकर झूठे साबित होते हैं। शादी के बाद लड़के अपने वादे से मुकर जाते हैं। खैर, पूनम की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। वो घर बहुत बड़ा था, 3 माले का घर था। नीचे के माले में रसोई, बाथरूम और एक बड़ा सा हॉल रूम था, और ऊपर के माले में सब लोग रहते थे। उसकी सास बिमला ने उससे कहा, बहू तुम इस घर की छोटी बहू हो, अपनी दोनों जेठानियों से सब कुछ सीख लेना। ठीक है माँ जी, मैं सब कुछ सीख लूंगी। हम हर रोज पनीर की सब्जी ही खाते हैं बहू, तुम्हें पनीर बनाना आता है ना? हाँ माँ, पनीर बनाना किसे नहीं आता। पूनम को लगा कि उसकी सास पनीर की सब्जी बनाने के बारे में पूछ रही थी, लेकिन ये गलतफहमी अगले दिन ही दूर हो गई। पहले रसोई में खाना बनाने के लिए वो रसोई में घुसी। बाहर उसकी सास, नंदे, ससुर, उसका पति और दो जेठ खाने के इंतजार में बैठे रहे। रसोई में उसकी दो जेठानी मौजूद थी। अरे आओ आओ पूनम, इतनी देर लगा दी आने में। वो मुझे थोड़ा लेट उठने की आदत है, मैं खाना बना देती हूँ, बताइए क्या बनाऊं? कल माँ जी ने बताया तो था, पनीर बनाओ। ठीक है, मैं पराठा और पनीर की भुर्जी बनाती हूँ, लेकिन पनीर कहाँ है? पनीर कहाँ है मतलब, वही तो बनाना है। तुमने क्या सोचा, हम पैकेट के पनीर खाते हैं? यहाँ 5 गाय है, गाय के दूध से हम हर रोज पनीर बनाते हैं। आज तुम्हारी बारी, जाओ गायों से दूध निकाल कर लाओ। यहाँ सिर्फ पनीर भुर्जी से काम नहीं चलता, हम सब दिन में 10 तरह की पनीर की सब्जी खाते हैं। 10 तरह की पनीर की सब्जी मतलब? मतलब हर रोज 10 तरह की पनीर की सब्जी बनानी होगी। मटर पनीर, आलू पनीर, गोभी पनीर, पालक पनीर, पनीर भुर्जी, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, शाही पनीर, मेथी पनीर, पनीर टिक्का, और चाय के साथ पनीर के पकौड़े। ये सुनते ही पूनम के तो होश ही उड़ गए। गाय से दूध निकालकर उस दूध को उबालना पड़ेगा, उसके बाद दूध में सिरका मिलाकर उसे फेंटना पड़ेगा, और उससे जो छेना निकलेगा उस छेने को एक जगह समेट कर किसी भारी चीज के तले दबाकर रखना पड़ेगा, फिर जाकर पनीर बनेगा, और उसके बाद उसी पनीर की सब्जी बनानी पड़ेगी। हे भगवान, ये मैं कहाँ गई? 10 तरह की पनीर की सब्जी बनाते बनाते तो मैं खुद पनीर की तरह बिखर जाऊंगी। पूनम के पास कोई चॉइस तो थी नहीं, उसने दूध निकाला, उसके बाद उसे फेंटकर छेना बनाया, और उसके बाद उस छेने से पनीर बना। तब तक बाहर सब लोग भूख से तड़प रहे थे। अरे आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? हद हो गई आज तो। ये कैसी बहू आई है घर में, सिंपल सी पनीर नहीं बना सकती? नहीं भाभी, हमें भूखे मारेंगे लगता है, ऐसे ही चलता रहा तो डिवोर्स तो पक्का है। ऐसे ही ताने सुनकर पूनम के पसीने छूटने लगे, और उसकी दोनों जेठानी चुपचाप खड़ी होकर हंसने लगी। पूनम ने किसी भी तरह पराठे और 10 तरह की पनीर की सब्जी बनाकर सबको खाना परोस दिया। सभी 1 मिनट के अंदर सब कुछ सफा चट करके उठ गए। पूनम के लिए कुछ नहीं बचा। बहू सब्जियां ठीक ठाक थी, और बेहतर करना होगा। दोपहर को चावल और 10 तरह की पनीर की सब्जी खाएंगे। दोपहर को भी 10 तरह का पनीर? हाँ, हम दिन में 3 टाइम 10 तरह के पनीर की सब्जी खाते हैं। लेकिन पनीर तो खत्म हो गया। तो बनाओ, जाओ दूध निकालो, और हाँ, हम सिर्फ सुबह का नाश्ता गैस के चूल्हे पर करते हैं, बाकी 2 टाइम लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना। खाना भी स्वादिष्ट बनता है और गैस की बचत भी होती है। पूनम की ओर जैसे एक के बाद एक तोप आ रहा था। उसकी दोनों जेठानियों ने हाथ खड़े कर दिए। इतने दिनों से हम बना रहे खाना, अब से तुम ही बनाओगी, हम तो चले आराम करने। पूनम ने फिर से दूध निकाला। अब उसने रात के डिनर के लिए भी एक ही बार में पनीर बनाकर रख दिया, और लकड़ी के चूल्हे पर दोपहर का खाना बनाना शुरू किया। ऐसे ही पूरा दिन खाना बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो गई, उसका रंग काला पड़ गया, और उसके बाद भी रात को उसे ताने ही सुनने को मिले।
घर में फ्रिज नहीं था क्योंकि सब लोग ताजी चीजें खाना पसंद करते थे, लेकिन पूनम ने तो दोपहर को ही पनीर बनाकर रख दिया था और उसी पनीर से रात को उसने 10 तरह की पनीर की सब्जी बनाई। उसके ससुर ने कहा, ये पनीर ताजी नहीं लग रही है। ये पनीर मैंने दोपहर को ही बनाकर रख दिया था बाबूजी। क्या तुम हमें बासी पनीर खिला रही हो? हम ये सब नहीं खाते। दिन में 3 बार तुम्हें दूध निकालकर ताजा पनीर बनाना पड़ेगा, समझ गई? इतना कुछ सहने के बाद रात में उसे 2 रोटी और 1 पनीर का टुकड़ा खाने को मिला। रात को उसने अपने पति से शिकायत की तो उसके पति ने कहा, इतना तो करना ही होगा पूनम, हर घर का एक नियम होता है और हमारे घर का यही नियम है। पूनम को अपने पति का भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसे समझ आया कि शादी से पहले लड़के चाहे कितने भी वादे कर ले, शादी के बाद वो सब कुछ भूल ही जाते हैं। अगले दिन गैस भी खत्म हो गई। उसके बाद से पूनम को दिन में 3 बार ही लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा, कभी पनीर के पकौड़े तो कभी पनीर की मिक्स सब्जी। ऐसे ही पनीर की तरह तरह की चीजें बनाती रही। कुछ ही दिनों में पूनम का 10 किलो वजन घट गया और वो गर्भवती भी हो गई। पूनम ने सोचा, अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ, अब कोई मुझसे काम नहीं करवाएगा। लेकिन बिमला ने कह दिया, बहू गर्भवती अवस्था में काम करने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है, अब तो तुम्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। पूनम को अब खाना बनाने के साथ साथ घर का बाकी काम भी करना पड़ रहा था, बर्तन मांजना, कपड़े साफ करना। ये सब करते करते पूनम की हवा टाइट हो रही थी। इसी तरह 4 महीने बीत गए और एक दिन तो हद ही पार हो गई। पूनम लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसका पेट फूल गया था इसलिए वो झुक नहीं पा रही थी। उसने कई बार मदद के लिए बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। उसने किसी भी तरह एक लकड़ी लेकर चूल्हे में घुसा दिया और तभी वो लकड़ी फट गई। अक्सर लकड़ी के अंदर पानी रहने पर ऐसा होता है। लकड़ी फटकर उसकी आग पूनम की दोनों आंखों में आकर लगी और फिर पूनम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ काला काला हो गया है, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई अस्पताल ले चलो। तभी वहाँ बाकी सारे सदस्य आ गए और ससुर ने कहा, अरे अस्पताल जाने से पहले कुछ खाना तो पड़ेगा ना, जल्दी से 10 तरह की पनीर की सब्जी और रोटी बनाओ। पूनम की आंखों में भयानक दर्द हो रहा था, जैसे कि आंखों में आग जल रही हो। उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था लेकिन उसी हालत में उसे चूल्हे पर 10 तरह की पनीर की सब्जी बनानी पड़ी। वो जब खाना बना रही थी तब उसके पेट के अंदर उसका बच्चा भी रो पड़ा। माँ मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है माँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, लगता है मैं अंधा हो गया हूँ माँ। बेटा हम जहन्नुम में है, यहाँ हमारा कोई सगा नहीं है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाई। माँ अभी डॉक्टर के पास चलो माँ। आराम से खाना खाकर वो लोग पूनम को अस्पताल ले गए। ये देखिए, क्षमा करिएगा, आप लोगों ने इन्हें लाने में देर कर दी, इनकी आंखों का कॉर्निया बदल चुका है, ये और कभी देख नहीं पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनके पेट में जो बच्चा है उसका भी आंख खराब हो चुका है, वो अंधा पैदा होगा। ये सुनकर पूनम को सदमा लगा, लेकिन उसके ससुराल वाले अलग ही प्लान बनाने लगे। मैं मेरे बेटे की शादी कहीं और करवाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए अंधी बहू और अंधा पोता। राहुल और उसके घर वालों ने पूनम को मायके भेज दिया। पूनम फूट फूट कर रोने लगी और सब कुछ सुनकर पूनम के माता पिता भड़क गए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उस परिवार में शादी मत करवाइए। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करा दिया। पुलिस ने पूनम के ससुराल वालों को अरेस्ट कर लिया। उन्हें सजा मिली और उनकी सारी संपत्ति पूनम को मिल गई। और सजा मिलने के गम में उसकी सास को हार्ट अटैक आ गया, वो चल बसी। और उसके बाद उसकी सास की आंखें पूनम को फिट आ गई, उसे फिर से सब कुछ दिखने लगा और उसे नई जिंदगी मिली। कुदरत के करिश्मा से उसका बेटा भी सही सलामत पैदा हुआ और धीरे धीरे उसे भी सब कुछ दिखने लगा। इसी तरह अंत में पूनम की ही जीत हुई और वो खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अंजलि के पिता एक किसान थे, वो अपने खेतों में ही सब्जियाँ, फल, दालें सब उगाया करते थे और शुद्ध खाना खाया करते थे। सब्जियों को बेचकर अपना घर भी चलाते थे। एक दिन जब अंजलि के पापा खेतों में हल से खेत जोत रहे थे तब अंजलि उनके लिए खाना लेकर आई। अंजलि ने खाने की टोकरी अपने सिर के ऊपर रखी हुई थी। बापू आओ खाना खा लो, ज्यादा मेहनत ना करो। अरे अंजलि बेटा, इस बार तो आलू की फसल उगाने वाला हूँ। तब तो आलू को भूनकर हरी चटनी के साथ खाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ बेटा,
ये बात तूने बिल्कुल सही कही। खेतों से निकले हुए बिल्कुल ताजा आलू भूनकर चटनी के साथ खाने में बड़ा मजा आता है। हाँ। तो इस तरह से आलू की फसल बहुत अच्छी हुई। मार्केट में बहुत अच्छे दामों में बिके उसके आलू। उसने ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लिए और अंजलि की शादी तय कर दी। इस बार तो आलू की फसल ने हमारा बहुत साथ दिया, इसलिए जल्दी से अंजलि की शादी कर देता हूँ। पता नहीं अगली बार फसल कैसी हो, क्योंकि इन फसलों का कोई भरोसा नहीं। कभी तो बहुत अच्छी हो जाती है, तो कभी हमारी फसलें बर्बाद भी हो जाती है बारिश की वजह से। खैर, शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में उसकी देवरानी, जेठानी, देवर और सास ससुर मिलाकर कुल 10 लोग थे। अरे बहू, आज इस घर में तुम्हारी पहली रसोई है। आज तुम हम सभी लोगों के लिए मैगी बना दो। तुम्हें मैगी बनाना आता है, यही जानकर तो हमने अपने बेटे की शादी तुमसे की है बेटा। अंजलि, माँ को मजाक करने की बहुत पुरानी आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें मैगी बनाना आता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए मैगी बिरयानी बना देना। भाभी, मेरे लिए स्पाइसी मैगी बना देना। कहते स्पाइसी मैगी खाने से चेहरे की लालिमा बनी रहती है। हमारे लिए तो कुकर मैगी बिरयानी बना देना। बिरयानी सिर्फ कुकर में उबालनी है और उसके बाद सारे सूखे मसाले ऊपर से डाल देने, थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना, बस हो गई कुकर मैगी तैयार। अंजलि बेटा, मेरी तरफ से तुझे छूट है, तू अपनी पसंद की किसी भी तरह की मैगी मेरे लिए बना दे। बेटा, मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैगी तू अपनी सास के लिए बनाने जा रही है, वही मैगी मेरे लिए भी बना देना। तो इस तरह उस घर में सभी को मैगी खाने का बहुत शौक था। उसके ससुर को थोड़ा अपनी बहू पर तरस आता था, लेकिन मैगी का शौकीन तो वो भी था, इसलिए वो कभी अपनी पत्नी की पसंद का तो कभी अपने बेटों की पसंद की मैगी खा लिया करता था, जिससे अंजलि को उसके लिए अलग से मैगी बनाने में टाइम न वेस्ट करना पड़े। ये लीजिए, ये रही भाभी, ये रही आपकी कुकर मैगी। ये लीजिए ससुर जी आपकी, माँ जी आपकी मैगी। अरे आप लोग भी लीजिए, शर्मा क्यों रहे हैं? इस घर की नई नवेली बहू मैं हूँ, शर्माना मुझे चाहिए। और आप लोग शर्मा रहे हैं एक नई नवेली दुल्हन की तरह। अंजलि का ये बिहेवियर देखकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन सभी लोग बहुत खुश भी हुए। इतने खुले दिमाग की लड़की आखिर किसे पसंद नहीं होगी। बहू, मैगी तो तूने मजेदार बनाई है, हमने आज तक इतनी स्वादिष्ट मैगी नहीं खाई। हाँ भाभी, मैगी तो बहुत कमाल की है, आपकी मैगी के लिए तो ऑस्कर अवार्ड भी छूटा पड़ जाए। सभी ने बहुत तारीफ की, लेकिन अंजलि उन तारीफों के पीछे का सच शायद समझ नहीं पा रही थी। अब जब रात के खाने का टाइम आया, तब पूरे परिवार ने एक बार फिर से अपनी अपनी पसंद की मैगी बता दी। लेकिन माँ जी, अब तो रात के खाने का वक्त हो गया है ना, मैगी सुबह खाएंगे। अरे नहीं बहू, तुझे शायद हमारे घर के नियम नहीं पता। हमारा पूरा परिवार मैगी के अलावा कुछ भी नहीं खाता। सुबह नाश्ते में भी मैगी, दोपहर के खाने में भी मैगी, शाम की चाय के साथ मैगी और रात के डिनर के टाइम भी मैगी ही खाते हैं। और 10 लोगों के लिए 10 तरह की मैगी बनती है। मैगी खा खा कर अंजलि परेशान हो गई। अंजलि कुछ महीनों बाद गर्भवती हो गई। 5 महीने लगातार मैगी खाने के बाद एक दिन उसके पेट के अंदर से उसका होने वाला बच्चा चीखने चिल्लाने लगा। आ माँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मैगी के मसाले ने मेरा शरीर जला दिया है, मुझे बचाओ माँ। आ, अंजलि के आंसू टपकने लगे, उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। आ, आ, आ। बेटा सिद्धार्थ, अभी तो सिर्फ 5वां महीना ही है, इतनी तेज दर्द आखिर बहू के पेट में क्यों हो रहा है, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जा। सिद्धार्थ अपनी कार से अंजलि को अस्पताल ले गया। तभी डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए, मैंने आपके परिवार को कितनी बार मना किया है कि इतनी ज्यादा मैगी खाना आप लोग बंद कर दीजिए। मिस्टर सिद्धार्थ, आप समझदार हैं, इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर की बात नहीं मान सकते आप? आपको पता है कि होने वाला बच्चा पेट में ही मर गया है। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन इससे ज्यादा हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि पहला बच्चा पेट में मरने के बावजूद पूरे परिवार ने मैगी खाना बंद नहीं किया और हर रोज उसे मैगी ही बनानी पड़ती थी। फिर एक दिन अंजलि ने सोचा, मेरे पापा किसान हैं, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाती हूँ और पापा से कुछ हरी भरी ताजी सब्जियां लेकर आती हूँ। ये लोग नहीं खाएंगे तो क्या हुआ, मैं तो चुपके चुपके सब्जियां तो खा ही सकती हूँ, वरना मेरी आने वाली संतान फिर से पेट में ही मर जाएगी। अंजलि अपने मायके आ गई, वहाँ पर कुछ दिन रहकर उसने ताजा सब्जियाँ खाई, जिससे वो थोड़ा बहुत स्वस्थ हो गई। वो अपने पिता से सारी सब्जियाँ लेकर चुपके से अपने घर चली गई और चुपके से ही किचन में सारी सब्जियाँ रख दी।
सबसे पहले मैं अपने पूरे परिवार के लिए मैगी बना देती हूँ। जब सब लोग खाकर सो जाएंगे उसके बाद मैं अपने लिए सब्जी बना लूंगी। बहू, तू मायके चली गई थी ना, तो हम लोग तेरे हाथ की मैगी खाने के लिए तरस गए थे। जल्दी से हम सभी के लिए मैगी बना दे। अंजलि ने सभी के लिए मैगी बनाई। सभी लोग अंजलि के हाथ की मैगी इतने दिनों बाद खाकर बहुत खुश हुए। सभी ने हद से ज्यादा मैगी खा ली जिससे सभी लोग बहुत जल्दी सो गए। अब मैं अपने लिए जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। तो इस तरह अंजलि ने कुछ दिनों तक छुप छुप कर अपने लिए हरी भरी सब्जियां बनाई जिससे वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई और एक बार फिर से गर्भवती हो गई। लेकिन एक रोज रात में उसकी माँ जब अपने कमरे से बाहर निकली तब उसने देखा कि उसकी बहू सब्जियां बना रही थी। अगले ही दिन उसकी सारी सब्जियां बाहर नाले में फेंक दी। उसे फिर से मैगी खानी पड़ी और एक बार फिर से उसके पेट से बच्चे ने चीखना शुरू किया। आ माँ, मुझे बचाओ माँ, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। अचानक अंजलि के पेट में फिर से पहले से भी ज्यादा तेज दर्द उठा। उसे एक बार फिर से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने इस बार भी उसके पेट में होने वाले बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह धीरे धीरे उसके लगातार तीन बच्चे पेट में ही मर गए। ऐसे एक दिन अंजलि की सास ने अंजलि की जेठानियों से कहा, तुम दोनों को तो शादी के 5 साल से भी ज्यादा हो गए लेकिन आज तक तुम दोनों के कोई भी बच्चा नहीं हुआ। अंजलि के तो 3 बच्चे हो गए, कहीं तुम दोनों बांझ तो नहीं हो? दोनों जेठानियों को बहुत गुस्सा आया। तभी बड़ी जेठानी ने कहा, सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये बात आपने बहुत गलत कह दी। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो उसकी जेठानियों की औलादे नहीं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंजलि चौथी बार फिर से माँ बन गई। लेकिन उसने इस बार अपने मन में ठान लिया कि इस बार वो अपने होने वाले बच्चों को मरने नहीं देगी। इसीलिए वो ससुराल छोड़कर कुछ महीनों के लिए चली गई। अब हम सबके लिए मैगी कौन बनाएगा? खैर, 9 महीने बाद अंजलि का चौथा बच्चा फाइनली जिंदा बच गया। उसने अपने बच्चे को मायके में रहते हुए ही जन्म दिया। फिर एक दिन अंजलि के पति ने उसे फोन किया, हमारा बच्चा इस बार बच गया है तो कम से कम अब तो अपनी ससुराल वापस आ जाओ। मैं ससुराल जरूर आऊंगी, आखिर वो मेरा घर है। लेकिन उससे पहले आप लोग कल मुझे अस्पताल में मिलिए। अस्पताल का पता मैं आपको मैसेज कर दूंगी। अगले दिन उसके ससुराल वाले उसके बताए हुए अस्पताल में पहुंच गए। अंजलि और उसके पिता वहीं पर मिले। अंजलि ने सभी को डॉक्टर से मिलवाया। फिर डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसकी जेठानियों की आंखें खुल गई। देखिए, हमेशा मैगी खाने की वजह से अंजलि को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा था। जब माँ को पोषण नहीं मिल पा रहा था तो बच्चा जीवित कैसे रह सकता है पेट में? अगर सही वक्त पर अंजलि अपने मायके ना आती तो धीरे धीरे उसके भी बच्चे पैदा होने बंद हो जाते। अंजलि ने बताया कि आपकी दोनों जेठानियों के भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, इसका कारण भी हमेशा मैगी खाना ही है। इसके बाद अंजलि अपने ससुराल वापस आ गई। ससुराल वालों को सब कुछ समझ तो आ गया था, सभी ने माफी भी मांगी। लेकिन पैदा होने के बाद से ही उस घर के सभी लोग सिर्फ मैगी खाते चले आ रहे हैं। वो लोग चाहकर भी सब्जी नहीं खा पा रहे थे। वो मैगी के अलावा कुछ भी खाते तो उल्टियां करने लगते। अंजलि ने एक हल निकाला, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि जिससे आप सभी को मैगी खाना भी नहीं छोड़ना होगा। मैगी से भी पोषण मिल सकते हैं, लेकिन जैसी मैगी मैं बनाऊंगी वही सबको खानी पड़ेगी। अब अंजलि अपने पिता से बहुत सारी सब्जियां ले आई और मैगी में ढेर सारी हरी सब्जियां डालकर सबके लिए बनाने लगी। सभी को वो मैगी बहुत ज्यादा पसंद आई। अंजलि, इस तरह की मैगी तो आज तक किसी ने नहीं खाई होगी। यहाँ तक कि इस तरह की मैगी किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती होगी। क्यों ना तुम अपना रेस्टोरेंट खोल लो, बहुत चलेगा। तो इस तरह से अंजलि ने अपने पति के कहने पर अपने गरीब किसान पिता के नाम पर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अब अंजलि एक गरीब किसान की बेटी से एक अमीर रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी बन गई। कुछ ही महीनों बाद दोनों जेठानियां माँ बन गई। अब उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।